जेपी जी, पहली बार आप मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे ही मैं शुरुआत करती हूं। आपकी तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है जाट वर्सेस नॉन जाट, ये अब चलेगा नहीं हरियाणा में। आप क्यों हवा दे रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए मैडम, हम नहीं दे रहे। चौहान साहब बाखूबी जानते हैं कि बीजेपी जात पात मजहब और धर्म के जहर फैला करके ही इनको मत मिलते हैं। बीजेपी ने कभी पॉजिटिव वोट मांगा नहीं, विकास के लिए, काम के लिए, रोजगार के लिए बीजेपी वोट नहीं मांगे। ये नहीं बताया कि हमने कितना विकास कराया हरियाणा में, कितना रोजगार दिया हरियाणा में। जो 2014 तक जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, विकास की दृष्टि से हरियाणा एक नंबर पे, रोजगार की दृष्टि से हरियाणा एक नंबर पे, और आज अपराध की दृष्टि से सबसे निचले पायदान पे था। आज अपराध हरियाणा में इतना पन पे एक नंबर पे, आज बेरोजगारी एक नंबर पे। ये बात जयप्रकाश नहीं कह रहा, ये लेबर मिनिस्टर हैं जो केंद्र सरकार में। तो उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जवाब की रिप्लाई देते हुए कहा, ये समय बीजेपी का केंद्र नेतृत्व तो मान चुका है कि हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और जिस तरीके से बीजेपी ने और उसके सहयोगी दलों ने, उनके साथियों ने, आपको याद होगा कि जाट नॉन जाट कब से शुरू हुआ, जाट नॉन जाट की राजनीति जिस तरीके से जांगड़ा साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात को सुन रहा था कि कांग्रेस ने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। जांगड़ा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला चुनाव इलेक्शन हुआ उदय भानजी पीसीसी प्रेसिडेंट बने, हुड्डा नेता प्रतिपक्ष थे आदमपुर का, जो आदमपुर हमेशा ही जात पात के जहर में फंसता रहा। उसमें कांग्रेस पार्टी ने जितने दलित बूथ थे, मैक्सिमम दलित बूथों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। तो दलित एक जो है एक जाति नहीं है, दलित एक पूरा वर्ग है। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग ने भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया। तो आज जाट नॉन जाट किस बात की, नॉन जाट कौन, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 36 बिरादरी का साथ है कांग्रेस के पास इस वक्त? हाँ बिल्कुल। और ये जाट आरक्षण के दंगों ने तो सिद्ध कर दिया, जो जाट आरक्षण के दंगे करवाए थे, जो प्रकाश सिंह कमीशन बिठाया स्वयं मनोहर लाल जी ने, और प्रकाश सिंह कमीशन की जो रिपोर्ट आई है कि उस वक्त हरियाणा जलाने का काम बीजेपी ने किया, ये बात प्रकाश सिंह कमीशन की रिपोर्ट में है। बाकायदा रोहतक के अंदर दुकानों से उठाया हुआ, शोरूमों से उठाया हुआ सामान उस वक्त के वहां के जो विधायक थे उनके घर में बरामद नहीं हो तो बता दो, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। ठीक है जेपी, चोरी का सामान बीजेपी के नेताओं के घर बरामद हुआ। अभिमन्यु का घर एक दिन तो जला, 3 दिन तक तो लगातार जलता रहा, क्या ये षड्यंत्र नहीं था? खुद घर जलाएं, खुद लोगों के सामान चोरी करें, लोगों के